बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्ला मन ताबा व आमन व अमल अमलन सालिह। ये कुरान की आयत है, समझ गए ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे तौबा कर, तौबा ही से निजात है और अमल सालिह। तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। किसी का लाने का जानवर ड्यूटी होता है, किसी का जबह करने का ड्यूटी होता है, किसी का खाने का ड्यूटी होता है ना। उसी तरह मेरा काम है नाउम्मीदों को अल्लाह का कलाम दे के उम्मीद बांधना, ठीक है। सुबह से शाम तक मैं थकता नहीं हूँ। वो दिलवर शाही और ये वो बोल रहे थे कि आए तो देखे हम आते ही सीधे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं, अपने घर पर भी बैठ कर तावीज़ ही बांटते रहते हैं। तावीज़ बांटना जो है ना हमारे खानदान का पेशा है, तावीज़ बेचना औरों के खानदान का पेशा है। देखो हमने बुराई किया, कितना जोर चिल्ला के बोला, बोले ना ये हमने बुराई की, यानी गीबत की, हम भी गुनाहगार हैं और तुम लोग भी गुनाहगार। लेकिन इस लाहन मैंने अब जितना कस के आप लोगों ने बुराई किया है, अस्तगफार पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। देखो होता क्या है, ये हमारे उलमा इकराम है, ये हमारे छोटे वाले भाई जो आलिम हैं, उलमा हैं, तकरीर करते हैं, तो इन लोगों को मालूम है कि कहाँ पर क्या कैसे कैसे देना है। जैसे हमें तावीज़ के बारे में सब मालूम है, हजरत सर में आधे सर में दर्द हो रहा है, ए बोली तावीज़ दो, पेट में दर्द हुआ तावीज़ दो, बाल बच्चा नहीं वो दो, तो इसी तरह इन लोगों को मालूम है। वो तकरीर वकरीर करने तो आता नहीं है, बस सिर्फ आप लोग बुला लेते हैं, इसलिए बैठ जाता हूँ कि आपको भी समझ में आए कि हाँ हम बोलना जानते हैं, ठीक है ना। तो तकरीर हो गई, अब एक नाते पाक एक मनकबत सुना दें, उसके बाद में फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे आप लोगों से। तो मैं कह रहा था वो कि आप लोग अदब सीखिए, बड़े सरकार के यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ अदब सिखाया जाता है, बैठा देते थे। आप लोगों ने तो देखा ही नहीं है बड़े सरकार से, ये जितने यहाँ पर बैठे हैं सब पैदा भी नहीं हुए, अब पैदा हुए होंगे तो बड़े सरकार की सोबत में नहीं रहे होंगे। बड़े सरकार का वो जमाना था कि मस्जिद में सांप चला करता था, ये क्या बोलेंगे, ये मौलवी मौलाना चपिद्दी चपिद्दी के शोरबा जो शेख से सैयद बन गए वो लोग क्या बोलेंगे, आलिमों की सोहबत में रह के जैयद हो गया, जाने पहले क्या था, धीरे 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 सैयद हो गया। तो ये लोग क्या जाने, एक सैयद का हाल इनको क्या मालूम कि जुनैद बगदादी को कहां से कानून विलायत मिली है, इनको क्या मालूम, इनको नहीं मालूम है कि उमर फारूक के बेटे को इमाम हुसैन ने लिख के दे दिया कि तेरा बाप मेरे नाना का फख्र इस वक्त। तो इनको क्या मालूम कि इमाम हसन हुसैन के औलादों के बारे में औल फल बोलते रहते। लेकिन आप भी कम नहीं हैं, आप लोग आला अपना जापते हैं कि हम बड़े सरकार के मुरीद हैं ना, आप लोग हैं बड़े सरकार के हैं, कैसा मुंह है देखिए, सर पर टोपी नहीं रखेंगे और चले आए हैं गौस पाक के करम है कि मिलाद में गौस पाक के जलसे, कैसे बेशरम है, लग रहा है जैसे कि वो सिनेमा देखने के लिए आए हैं। टीवी लगा हुआ बैठ गए सारे को जैसा हुआ, एक साहब उधर देख रहे थे अभी सिगरेट पी रहे थे। अरे लानत बरसेगी लानत, जिस पीर ने कसम खुदा की 50 साल दिया तुम्हारे लिए, उस पीर के तुम ना हुए तो फिर दूसरे के क्या हो, सिर्फ अपने आप को दिखाते हो कि हम सरकार के मानने वाले हैं। ऐसी लोग पकड़ रहे, पांच जगह का मौलाना हमको सुनाए कि फलाने या एक इमाम आया और पूरे गांव को बदल दिया, क्या बात है, कैसा ईमान है, कैसे सरकार का मानना है। अरे सरकार ने तो तुमको मिसाल के तौर पर अपनी जिंदगी में दिया, 25 उलमा ने फतवा दिया लेकिन सरकार वहीं के वहीं रहे, भूखे प्यासे रहे, रक्षा में दौड़ते रहे अपना टिफिन लेके, सुबह से शाम तक दौड़े,
सरकार कितना फाती हुआ? 700 घर हुआ, 800 घर हुआ, 700 और 800 घर का मतलब 700-800 मतलब उठा बैठी, 7 मरता उठा बैठी करके दिखा दो तो हम जान जाएंगे हाँ तुम कहाँ नाम है। पर साल भी हम आए थे तो हमने ही कहा था कि टोपी लगाया करो, टोपी से शैतान हावी नहीं हो। अभी जो बात हम बोल रहे हैं वो ये जितने भी मौलाना मौलवी शायर बोल गए वो सब तुम्हारे दिमाग से ऊपर चला गया। तुमको तो खुद चाहिए खींचतान करने वाला शायर, कमर लचकाने वाला, हाथ ऐसे करने वाला, तुमको कमीना मर्दू शैतान मलूल बोलने वाला, मर जाओ कट जाओ ये बोलने वाला तुमको खुद चाहिए। अभी जो बच्चा पढ़ा तुम्हारे दियार का है ना, तुम्हारे शहर का, तुम्हारे पीर के बारे में तारीफ किया ना, किसके बारे में तारीफ किया? अरे किसके बारे में तारीफ किया? क्या पैसा दिया उसको? क्यों नहीं दिया? पीर के नाम पे तो आदमी जान लुटा देता है, माल क्या चीज है। अब वही अगर इन लोग जरा नचनिया होता, कम्बल लचका के एक मरता ऐसे इधर से उधर उधर से मरता धड़ से धड़ फेंकना शुरू कर देता। हम इसीलिए नहीं बैठते हैं तकरीर वकरीर करने के लिए, इसलिए बहुत खर्री बात बोलते हैं। यहाँ से आदमी उठेगा ना जिसको बुरा लगा होगा बोला पीर साहब बोल रहे थे इसी से बक रहे थे। अरे तुम्हारे कहने से मेरा कुछ नहीं होगा, हम जो बोल रहे हैं वो सरकार सुन रहे हैं, सरकार के आका सैयदना पाक सुन रहे हैं, सैयदना पाक के आका गौस पाक सुन रहे हैं, उनके आका रसूल पाक सुन रहे हैं, अल्लाह तो हाजिर नाजिर है। तो इस गांव को, इस जगह को अगर वाकई बचाना है तो दो काम करो, एक तो अदब और तहजीब सीखो, दूसरे हर वक्त या नसीम सरकार या नसीम सरकार या नसीम सरकार या नसीम सरकार बोलते रहोगे, दिल में बस जाएंगे, कोई तुमको बहका नहीं सकता। ये तो झूठी बात होती है ना कि जलसा में शायर को बोला हुआ वो टान के तुम्हारे पीर का नाम लो तुम पैसा उसको दो, तुम टान ताकि वो तुम्हारी मोहब्बत मिले तुम्हारे पीर का नाम। बात समझ रहे? देखो पीर कैसे होते, सबसे बड़े पीर ये सब तो आजकल तकरीब वकरीब नहीं बोला जाता, सरकारे गौसे पाक हैं। सरकारे गौसे पाक जो है अल्लाह के रसूल के पास एक उराबी आया, उराबी समझते हो यानी एक काफिर अरबी आया, उसके बाद में मस्जिद नबी में खड़ा हो गया, बहुत सारे मेहमान थे, उसको सब लेके चले गए, मोटा ताजा मुस्टंडा काला कोयला उसको कोई नहीं लेगा, अल्लाह के रसूल अपने घर में लेके आ गए, रात भर उखाया फिर लैट्रिन करके भाग गया। अब अल्लाह के रसूल बैठ गए धोने के लिए, बहुत लंबी कहानी है और सब सुन चुके हैं। अल्लाह के रसूल को मालूम था कि वो आएगा तो ईमान ले आएगा, इसीलिए अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी हजरत अली आए कहे या रसूलल्लाह मैं दूध बोले नहीं, वो मेरे अमल को देखेगा तो ईमान ले आएगा। तो नबियों में सबसे बड़े कौन, नबियों में सबसे बड़े कौन? कितना धीरे बोले, मालूम भी नहीं है कि नबियों में सबसे बड़े कौन है, मालूम है नबियों में सबसे बड़े कौन? हमारे नबी। अवलियों में सबसे बड़े कौन? हमारे गौस पाक। देखो रसूल अल्लाह की वो बात थी, अब गौस पाक क्या हुआ? बचपना है, वालदा ने भेज दिया बेटा जाओ पढ़ने के लिए बगदाद, इल्म हासिल करने के लिए 40 दिनार यहाँ छुपा दिया, सबका छीना छोरी हो रहा था, चोर आया बोरा नारा देखा, सूरज शक्ल अच्छी देखा, कहा कि आपके पास भी कुछ है? बोला है ना, क्या है? 40 दिनार। क्या जरूरत थी आपको बोलने? तो आपसे पूछ रहा था, आप बोल देते नहीं, गौस पाक बोल देते नहीं, एक झूठ तो हम लोग लाखों झूठ बोलते, जब वो नहीं बोले तो आज तो बोल के अपनी झूठ की जिंदगी गुजारता कि नहीं गुजारता। तो गौस पाक ने कहा नहीं मेरे पास 40 दिनार है, तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को जो गैब की खबर अल्लाह ने दिया था उन्होंने अपने औलादों को भी दे दिया, उनको मालूम था कि जैसे हम बोलेंगे दिनार है निकलेगा तो सब कलमा कबूल हो जाएगा, सब ने कलमा पढ़ा जितना चोर था, जब सरदारे पढ़ लिया तो फिर मौलाना लोग से सुना होगा तुमने वली बन गया चोर, बहुत सारा बात है। हम तुम्हारे पास सिर्फ आते हैं इसलिए कि अपने पीर की मोहब्बत जताओ, अपने पीर का दिल में दिया जलाओ, और जो लोकल शायर हैं
उनसे अपने पीर की तारीफ सुनाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर से कोई आता है तो 30,000 लेंगे, 40,000 लेंगे, उसके बाद 2-4,000 छूट भी लेके चला जाता है। ये बेचारे आते हैं तो 500,000 रुपए दिए, और जबकि तुम्हारे पीरे की तारीफ ही करते हैं, दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं। हम तो आए दूसरे तीसरे की, तो देखा कि हजरत बैठे हुए हैं, कोई भी आ, किसी भी शायर की बात नहीं। बाहर को बाहर रखो, अपनों को अंदर करो, तुम्हारा ईमान बचा रहेगा, तुम्हारे दिल में। अभी इसका क्या हुआ, इसका एक पखून जल गया, खान साहब हम देख रहे थे वहां बैठे बैठे कर रहा, तो जब इसी से कर रहा है तो इसका खून नहीं जल रहा है। तुम्हारे पास कमी थोड़ी है, तुम्हारा पीर यहाँ सबसे अफजल, हर मामले में। उसी तरह तुम अपने पीर की तारीफ के लिए अपने इलाके के उलमा, अपने इलाके के शोरा। हम लोग दो भाई हैं, ऐसे तो तीन भाई हैं, एक का अलग दुनिया है। एक को ड्यूटी लग गया है फातिया करना, अगर बड़े सरकार ना चाहते हैं ना तो फातिया ना होता, फातिया नहीं होता। अब बड़े सरकार नहीं चाहते तो हम लोग तावीज भी नहीं बांटते हैं, ये उनकी चाहती के ऊपर है। अपना नायब बना के गए, तुम लाख रोकते रहो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐलान कर दो फातिया नहीं होगा। अरे कुछ शरीयत का लिहाज रखो, अपने पीर को कहां से कहां पहुंचा रहे हो। दस्तखान जानिमाज बिछा दो, मिठाई रख दो। जब ऐसा होता तो सरकारें मिल्लत जो है ये घर घर घूम के फातिया ना करते, बोलते अपने अपने घर में रख दो, हम गौस पाक से कह दे हुआ के फातिया। जबकि गौस पाक का वाकया भी है कि एक घर में 70 एक वक्त में 70 घर जाके फातिया किया, और तमाम लोगों ने देखा भी। तो बहकावे में मत आओ, अपने लोकल उलमा लोकल शोरा की इज्जत करो, अपने पीर का हर वक्त दिल में चिराग जला के रखो। या नसीम अख्तर कादरी, 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 या नसीम अख्तर कादरी। कम से कम तो 1100 मरतबा दिन भर में नाम लिया करो, देखो तुम्हारी नैया बदल जाएगी। तुम नमाजी हो जाओ, तुम पाकीजा हो जाओ, तुम गुनाहों से बच जाओ, तुम्हारे अंदर इल्म की रोशनी आ जाएगी, ईमान की रोशनी आ जाएगी, तुम्हारा दिल नूर से मनव्वर हो जाएगा। हम लोग सीढ़ी वाले हैं, जब नसीम अख्तर फनाफिल पीर, जब तुम फनाफिल पीर हो जाओगे तो फिर फनाफिल गौस, फनाफिल रसूल, फनाफिल अल्लाह, सबसे पहला जो मुतबा है तुम्हारे पीर का, जिसका जो पीर है वो उसी के पीर का नाम लेगा। हमारे यहाँ जो है ना, वो पगड़ी फेंक के किसके मुरीद हो, ये फलाने हजरत के, फलाने राजा महाराजा के है, फलाने कारण के नहीं, पकड़ो हमसे तबर्रुकन हो जाओ। काहे के लिए तुमको तबर्रुकन मुरीद करेंगे, हमारा खानदान सस्ता सुबिस्ता का है कि तुमको खानदान से मुरीद कर देंगे। कुत्ता बिल्ली की तरह जाओगे तो गौस पाक भी कहेंगे कैसा लाया है, ये गुलाम है तुम्हारा। गुलाम तो देखो बिलाल है, जिसको रसूल ने कह दिया कि आगे आगे तू, पीछे पीछे हम जाएंगे। वैसे गुलाम के गुलाम बनो, फिर देखो क्या मजा आता है। हम रसूल की औलाद हैं तो तुम भी बिलाल की औलाद बनो, नस्ल में नहीं हो तो कम से कम किरदार में तो बनो। अब देखो कितना आसानी से, कोई कोई दिल में सोच रहा होगा कि काला पागल की तरह बक रहे, किसी शायर वायर को कान में दे देते तो चिल्लाता तो हम भी थोड़ा सा उछलते कूदते। जी जी हक, अरे तो सुन भी तो असल ही से हैं, आप भी ऐसा बात सुन भी तो असल ही से हैं। वो तो अपने गुलामी का सबूत देके चले गए, कल से फिर आप ही लोगों के पास गुलामी करना है। हजरत यहाँ फातिया कर दिया, हजरत वहाँ फातिया, आज भी शोरों में आप ही के गांव में जो है 10-20-50-100-200 घर करके आए हैं। तो बेटा इधर मेरी माँ बहने बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, इधर तुम लोग बैठे हो, सब बेटा हो, सब भाई हो, सब बुजुर्ग हो। एक बात खाली ध्यान में रखो, हम लोग दोनों भाई को जो इस इलाके में डिपूट किया गया है, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है कि अमजद शरीफ की खानकाह 500 साल से है, कितने 100 साल से है, 500 साल से है, लेकिन उसी खानकाह के 13-12वें से ज्यादा नशीने नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी को यहाँ भेजा, तो उनके लगाए हुए तुम बागीचा हो। क्या हो? बागीचा हो। हम लोग पानी खाली पटा रहे हैं कि खिले रहो, चले जाएंगे ना तो जैसे कमरदा अमरदा जमरदा जितने थे सब चले गए, सूख गए, सूख गए,
कल कयामत के दिन नसीम अख्तर कादरी के सामने वो नजर उठा के नहीं जा पाएंगे, और जो लोग उनको बहका के ले गए वो भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी जाएंगे। इसलिए कि गौस पाक अपने औलाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते हैं, और रसूल पाक अपने औलाद का कर्जा नहीं रखते। जुनैद बगदादी का वाकया बहुत मशहूर है, वो जो जुनैद बगदादी हो लेकिन वाकया है जरूर। पहलवानी में पटका गए और अल्लाह के रसूल ने उनको अता कर दिया राठी में सबसे, जबकि औलाद ने कहा था कि क़यामत में दिलवा देंगे, समझ गया था? लेकिन अल्लाह के रसूल ने अजान की, अजान का वक्त हो रहा है, हम बड़ा मतलब सोच समझ के आए थे कि आज कुछ पढ़े उढ़ेंगे, ऐसी सुनाएंगे और क्या, लेकिन सब कर गया एकदम। असर होता क्या है ना कि एक बहुत पुरानी नाज शरीफ हम लिख के लेके आए थे, हम बराबर गुनगुनाते थे, एक बेचारा इंतकाल गया शायद। जैसे तुमको अगर कुल अल्लाह याद है हम पढ़ेंगे ना तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, और जो याद नहीं है पढ़ेंगे ना तो तुमको इधर उधर करके अब मेरे कहने पर ऐसे ये सब स्टाइल है, पैसा मांगने का भीख मांगने का तरीका ही हो गया, बुरा बुरा मानना शायद उन्हीं लोग का दिया हुआ है। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल या रसूल या रसूल, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत, खुदा जब तुमसे फरमाए लाओ अपनी उम्मत को हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है आंखें मेरी, तरसता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आंखें, बुला लो अब मदीने में सातवीं बार या रसूल अल्लाह। अरे वाह नारे तकबीर, इसमें है दोबारा, लेकिन मैं छह बार गया तो कैसे कहूंगी दोबारा बोलूं, सातवीं बार या रसूल अल्लाह, इंशाल्लाह चले भी जाएंगे। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आंखें, बुला लो अब मदीने में हम सबको या रसूल अल्लाह। आदम आखिर जरा गुस्ताख पर इतना करम कर, दम आखिर जरा गुस्ताख पर इतना करम करना कि उसके लब पे भी हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये थी एक दूसरे की रात, बड़ी प्यारी बात है। शायर जब जिंदा था ना तो बहुत पैसा उसको हम देते थे कहीं जाते थे सुनने के लिए। अभी बहुत जमाने के बाद हम डायरी खोला तो ये नात मिली, हम कहा कि सासपुरा में हमको बुलाया है नवाब ने, हम इसको सुनाएंगे। सुना है तो पहले आप लोग सुनाइए, सुनाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। सुनो सुनो सुनो, सुना है बहुत जमाने के बाद तुम लोग सुनोगे। जमालो नूर भरी ये रात, जमालो नूर भरी ये रात, और उस पे रहमत की बरसात। खुदा का खूब करम है खुदा का। अच्छा लग रहा है, जो जो आदमी इस नात को सुना ना मुस्कुराएगा, जरूर लोग सुनो। हम तो बस खाली तुम लोग का दिल रखने के लिए बैठ गए हैं। जमालो नूर, जमालो नूर भरी ये रात, उस पे रहमत की बरसात। खुदा का खूब करम है खुदा का खूब करम है, हम आए हैं ये राहत होश, फिजाएं हैं जन्नत पर दोष। खुदा का खूब करम है खुदा का। ये अशआर हमको बहुत प्यारा है। बसती बसती सहरा सहरा, बसती बसती सहरा सहरा, बसती बसती सहरा सहरा, है सल्ले अला का शोर मचा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हम में आए महबूब खुदा।
बादशाह आए इनाम इकराम गुनहगार जहां के नाम खुदा का करम है। अब हमसे खोजोगे यहां से वहां तक की लंबी टहनी तो कहां सुनाना, हम सिर्फ अशार सुना रहे हैं। मेरा कहा हुआ भी है कि हमको कोई पैसा देगा तो मरमो करेगा, लेकिन सुभान अल्लाह कहोगे ये मना नहीं किया, इससे तुम्हारा फायदा हमको कोई फायदा नहीं और हमको सांस रोकना पड़ेगा। तौहीद की वो बिजली चमकी, तौहीद की वो बिजली चमकी, इल्हाद की जुल्मत का पुटी, तनवीर रसालत आम हुई, हम क्यों न मनाए जिनसे नबी, हम क्यों न मनाए जश्न नबी, तनवीर रसालत आम हुई, हम क्यों न मनाए जश्न नबी, बुतान गिरे सब बुतान का बगिरे सब टूट, मताए ईमां की है लूट, खुदा का खूब करम है। यह अशार के लिए हम सिर्फ नाशी पढ़ा है, यह अशार मुफ्ती साहब सुनिए क्या चीज थी, आवाज तो बढ़ जाती है, क्या थोड़ा सा पानी आप लोग कैसे चिल्ला देते हैं। बू बकर उमर उस्मान अली, बू बकर उमर उस्मान अली, सादिक आदिल अरगनी उजरी, बू बकर उमर उस्मान अली, सादिक आदिल अरगनी उजरी, है रूह अमल तकलीद इनकी, है रूह अमल तकलीद इनकी, है इनसे बहारे दीन नबी, है इनसे बहारे दीन नबी, जो है असहाब शहे कौने, उनकी मदह दिलों का है जय, खुदा का खूब करम है, खुदा का खूब करम है, दुनिया से है महशर तक साया। कहाँ खो गए, कहाँ खो गए, शायद सुनू तो ये लोग तो ठालने के नहीं बोले, तुम तो बोल रहे थे, वो लोग समझ में नहीं करेंगे इतना सख्त उर्दू इसमें इस्तेमाल किया गया है। दुनिया से है महशर तक साया, महबूब खुदा के दामन का, आफात जमाना का क्या गम, कौनेन का मालिक है अपना, आफात जमाना का क्या गम, कौनेन का मालिक है अपना, कोई देखे तो हमारा नसीब, करे मरकद तनवीर हबीब, खुदा का खूब करम है। आवाज तो बैठ गई, एक गौश पाक की मनकबत थी लेकिन कहीं और सुना दी, अभी तुम उठ के गौश पाक की मनकबत सुनो, चलो सबका फटा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, सरकार मिल्लत को अगर यहाँ रखना है, कहाँ उड़ीसा में, तो उनका नाम का वजीफा पढ़ो, नहीं तो सरकार मिल्लत तुम लोग के दिल से निकल के चले जाए, जैसा रमबरदा फरमबरदा में निकल के चले गए चले जाएंगे तुम्हारे दिल से, उनको बचा के रखा, और टोपी उपी आइंदा से पहन के आओगे, और नहीं तो हम चले जाएंगे, हमको फिक्र नहीं है कि हाँ नजराना देगा कि खाना देगा, कुछ नहीं, वो सब अल्लाह ने दे दिया पहले से, मोहताजी नहीं।